हेलो डेली चिली व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिखा। आप देख रहे हैं डेली चिली चैनल कैंडिड फ्लास, ओ इट्स मी, अ होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। गाइस, टुडे इज़ अ वेरी ब्लेस्ड डे फॉर मी एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। टुडे विद अस अ वेरी स्पेशल गेस्ट, शी इज़ अ रिनोन्ड टैरो एक्सपर्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड। शी इज़ वेरी फेमस, शी इज़ नन अदर देन डॉक्टर सीमा मिडा। Hello ma'am, welcome on the show. Thank you so much for your kind words. I am overwhelmed whatever you have given my introduction. Thank you so much Shikha and thank you so much Delhi Chilli. Ma'am, आज हम आपसे, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। मैं चाहती हूँ सेम फॉर माई व्यूअर्स, आपसे सब इतना इंस्पायर हूँ, सीखें, आपको फॉलो करें। तो दिस शो इज़ ऑल अबाउट द लाइफ जर्नी। तो मैं ये चाहूँगी कि एक आम इंसान आप जैसा, जैसे कि मैं जानती हूँ आप एक हाउसवाइफ थे, कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं एक ब्लेस्ड सोल के अंदर, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल, ज़रूर बताना चाहूँगी कि हर इंसान की एक ही टाइप की जर्नी होती है और उसका पर्पस ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं ऑलरेडी डेस्टिन्ड होता है और उस डेस्टिन्ड में आपको एवरी डे का अपना कर्मा करके, जिससे भी आप जुड़े हुए हो, जिससे भी आपका लेन देन है, या यूँ कहूँ कि आपको अपना सोल पर्पस पूरा करके अपनी आगे की जर्नी तक जाना होता है। मेरी भी आर्मी ऑफिसर से शादी हुई, पढ़ाई करते करते, पढ़ाई पूरी करने के बाद जब शादी हुई तो बहुत जल्दी आई वॉज ब्लेस्ड विद द टू डॉटर्स। उनके साथ साथ मुझे लगता था कि मैं अपनी पढ़ाई का सदुपयोग नहीं कर पा रही, पर यह भी लगता था कि मैं कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बड़ा कर लूँ। और उसके जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, हस्बैंड का इतना सपोर्ट था, यू नो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, ही इज़ सो नाइस, ही इज़ ऑलवेज गिविंग मी सपोर्ट, गिवन मी सपोर्ट फॉर ऑल माय एक्टिविटीज़, और मुझे हमेशा इंस्पायर किया उन्होंने कि पढ़ लो, कुछ कर लो। तो जो कुछ करने में अगर मैं किसी की हेल्प भी कर रही थी तो ही इंस्पायर्ड मी ऑल द वे कि तुम्हारे हाथ से कुछ अच्छा ही काम हो रहा है। तो स्टार्ट धीरे धीरे हुआ और मुझे ये लगता है कि इंसान की लाइफ में शुरुआत होना इज़ इम्पॉसिबल, तभी वो लोग आगे नहीं पहुंच पाते। अगर शुरुआत सही हो जाए तो फिर आगे की जर्नी बहुत इजी हो जाती है। आपकी हाल ही में ना, रिसेंटली में अभी बुक आई थी मोबाइल नंबर पे जी। जैसे मेरा तो बड़ा फेथ है टैरो पे, एस्ट्रो पे, न्यूमरोलॉजी पे जी। लेकिन मैं ये थोड़ा सा मैं भी शॉक्ड हूँ कि हाउ मोबाइल नंबर कैन चेंज वन्स लाइफ। या यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि आज के सिनेरियो में हम अपने बीवी बच्चों को घर छोड़ के चले जाते हैं लेकिन अपना मोबाइल साथ में रखते हैं, और बड़ी से बड़ी डील जो क्रैक करते हैं, चाहे बिजनेस की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, मेकअप रिलेशनशिप, ब्रेकअप रिलेशनशिप, ऑन द फोन, ऑन द स्पॉट। सो पहले कहते थे लोग घर का नंबर लकी होना चाहिए, गाड़ी का नंबर लकी होना चाहिए, क्योंकि घर में भी आप आधा दिन रहोगे, गाड़ी में भी आप 2 घंटे 4 घंटे ट्रैवल करोगे। अगर उनके बारे में इतना सोचते हो तो जो 24 घंटे 48 घंटे अपने तकिए के नीचे रख के सोते हो वो कैसे आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने बहुत रिसर्च की, 1 मिलियन लोगों के नंबर लिए और उसके बाद उन पर रिसर्च करके कि कौन सा नंबर किसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेयर, यू नो वो होना चाहिए, कंपैटिबल होना, किसका नंबर किसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे कंपैटिबल होना चाहिए, जिस चीज़ की कमी है उसको फुलफिल करने वाला नंबर होना चाहिए। स्पेशली जो मोबाइल नंबर है वो आपके काम के पर्पज़ के हिसाब से भी हम देखते हैं। जैसे आप मीडिया में हो तो आपको नंबर 3 होना चाहिए, एक्सप्रेशन का नंबर आपके पास होना चाहिए, आप अच्छे से बात कर सको, बिकॉज आप तो सबको बुलवा देते हो, तो अगर आपके पास अच्छा नंबर नहीं होगा तो कैसे होगा काम। बिल्कुल सही कहा, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड मैम, 1 मिलियन लोगों के नंबर पे आपने रिसर्च हो किया। बिल्कुल, और उसके बाद हमने इसको 2008 में पहली किताब लिखी जिसका नाम था मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ, और इसका दूसरा इंग्लिश वर्जन जो आया वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया और उसको हमने उनके साथ किया और उसका नाम रखा व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। अच्छा सीमा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि टैरो की एक्यूरेसी ना आपकी प्रेडिक्शंस की तो मैं कहूँगी 200% है, लेकिन आपको कैसे पता लग जाता है कि जो आपके पास आया है, जो पूछने आया है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, आपको उसका मतलब कैसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसको ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको ये बताना है। बिल्कुल, एक्चुअली दिस इज़ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एनर्जीज़। जैसे एक इंसान 5 एलिमेंट्स का बना होता है,
सेम टैरो साइंस इज ऑल्सो टैरो कार्ड ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फाइव एलिमेंट्स. एंड अगर हम नंबर साइंस की बात करें तो नंबर्स भी अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स होंगे. अब ये तो पहले से प्री डिसाइडेड बिल्कुल नहीं होता कि कोई आएगा वो अपनी ये समस्या बताएगा और हम इसको ये आंसर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक सैलून कि आप जा रहे हो आपको ये करवाना है तो आप ये करवा के आओगे. नहीं, लेकिन मैंने सीमा जी इस चीज़ को तो ऑब्जर्व किया है, अगर आप मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, बहुत सारी बातें आप मेरे बिना बताए जान जाती हैं. बिल्कुल, उसका रीज़न ये है कि जो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी गुड इन योर वर्क, ऐसे ही हर इंसान का एक अपना रोज़ का तजुर्बा होता है, रोज़ का काम होता है. लाइक जो चीज़, जो विजन एक कैमरा पर्सन का हो सकता है, एक कैमरे को लेकर, पिक्चर को लेकर, वो डेप्थ हमारे अपने सब्जेक्ट में अपनी होती है. और उसका जो है, मुझे लगता है कि एवरी डे जो आप सेम काम करते हो, आपको, आप उसके साथ जीते हो, आपके उसके साथ रहते हो, तो आपको उस सागर के, ज्ञान के सागर में आप डुबकी लगाते हो, तो उसके बाद ही आपको तैरना आता है. तो मुझे ये लगता है कि दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट प्री डिसाइडेड. जब कोई आता है और बात करता है, उसके बाद उसको कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस गाइडेंस की ज़रूरत है, उसका पर्पज़ क्या है, वो करना क्या चाहता है, समटाइम उसको नहीं पता. और हम उसको, मुझे लगता है कि जैसे सड़क और टीचर रास्ता बताकर आपको मंजिलों तक पहुंचाते हैं, हमारा इतना ही काम है. अच्छा सीमा जी, आप लोगों की मुसीबतों का हल इतनी आसानी से कैसे दे देती हैं? मतलब लोग बड़े दुखी आते हैं और बड़े खुश होकर जाते हैं. यस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह ले लेती हूँ, और मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम इज़ एक जैसे ताले की चाबी होती है. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके खुद के पास होता है. और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है, आपको चलना कैसे है, आज सुबह उठ के करना क्या है, एक ह्यूमन बीइंग की ये टेंडेंसी होती है कि अगर उसको कोई रोज़ बता दे कि उसको ये काम करना है तो अच्छे से कर सकता है. सेम विद लाइक पीपल आर हैविंग ट्रस्ट इन अस. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, वी आर द डिटैच्ड पर्सनैलिटीज़. अगर आप मेरे से पूछते हो तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन आपकी लाइफ में आपको बहुत फ़ायदा होगा. तो जब आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, कि फेथ हो जाएगा कि दिस पर्सन कैन बी मेंटर फॉर मी एंड ये मुझे सही सलाह देगा, अगर आपको ये ट्रस्ट है, तो आप कभी भी अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आप पक्का से मुझे फ़ोन करके बोलेंगे कि सीमा जी मैं ये कर लूँ. और हम चाहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स ऐसे मिले कि हाँ पक्का शिखा तुम करो, आज ज़रूर जाओ. तो अगर आपको ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, तो आप उस काम को करके बहुत सक्सेसफुल हो जाती हैं. क्योंकि इस दुनिया में जो सराउंडिंग्स का इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है. नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी एंड सकारात्मकता बहुत कम है. तो मुझे ये लगता है कि पुश करना, राइट टाइम पे राइट बटन प्रेस करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. काम तो मुझे मालूम है हर कोई कर लेता है. एंड येस, यू आर माई मेंटर. थैंक यू सो मच. अच्छा सीमा जी, आपने ना आज तक टिल डेट अपनी फील्ड की आप मास्टर हैं, टैरो क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत के नतीजे आपको मिलते हैं और आपका काम सराहा जाए, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है. और टैरो क्वीन जो लोग बोलते हैं, दिस इज़ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ माई वर्क और माई, यू कैन से, मुझे अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, बिकॉज पीपल यूज़ टू टेक मी एज ए रोल मॉडल. तो मुझे ये लगता है कि जाने अनजाने में अगर मैं इंस्पिरेशन हूँ या मैं प्रेरणा देती हूँ, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ. सेम थिंग, हम जो है, डेट ऑफ बर्थ हमारा पासवर्ड है, और हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर भगवान जी ने चिप डाल के भेज दिया. मोस्ट ऑफ द पीपल और मे बी 90% पीपल हमेशा ये चाहते हैं कि हम दूसरों का चिप तो चेंज कर दें और अपना चिप ना चेंज करें, अपनी प्रोग्रामिंग चेंज ना करें, दूसरों की प्रोग्रामिंग चेंज कर दें. तो मुझे ये लगता है जो उनकी थॉट है वो गलत सोचते हैं. सबसे पहले यू नीड टू चेंज योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट चेंज अराउंड यू और सराउंडिंग्स में चाहते हैं. आप सुबह जल्दी उठिए, आप दूसरों से कहेंगे कि आप जल्दी उठा करो, ये किया करो, वो किया करो. यहाँ पे सलाह देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन खुद करने वाले बहुत कम हैं.
तो मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी से चेंज को शुरुआत करो और फिर देखो आप बदल सकते हैं दुनिया। बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स आपने बताए यहाँ पे सीमा जी। अच्छा सीमा जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, सीमा जी आज तक की हाईएस्ट अवार्ड विनिंग लेडी हैं अपनी फील्ड की। सीमा जी से ही पूछते हैं कौन कौन से अवार्ड उन्होंने आज तक जीते हैं। बिल्कुल, अवार्ड से पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी काम करना चाहें, आप उस चीज़ के लिए सराहना आपको मिले, तो आपकी ज़िंदगी में एक शब्द होना चाहिए, संकल्प। विकल्पों को डिलीट कर दो। अगर संकल्प किया है इतिहास बनाने का और सेम काम आपने रोज़ किया है, तो गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इस इतिहास बना सकते हैं। और जो इतिहास बनाने के बाद, मैंने तो बहुत इंस्पिरेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी है कि कहाँ से वो पढ़ाई करके, मेहनत करके कहाँ तक पहुँच गए। आप इंस्पिरेशन लेना चाहो तो हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से ले सकते हो कि कहाँ एक फिशरमैन का बेटा होकर आपने मिसाइल मैन का नाम बना लिया। तो नाम बनाना, रिस्पेक्ट अर्न करना, सानिया मिर्ज़ा जो हैं उनसे ले सकते हो आप। लाइक आप कोई भी लाइफ में किसी का भी एग्जांपल, जो आज तक अचीवर्स रहे हैं, आप उनकी लाइफ को देखो तो यही लगता है कि उन्होंने सिर्फ काम किया है, बाकी जब वो टॉप पे पहुँचे उसके बाद लोगों ने उनको पूछना शुरू किया। अच्छा सीमा जी, अपने अवार्ड्स के बारे में तो कुछ बताइए जी। मेरी बहुत खुश नसीबी है कि मुझे प्रिय दर्शनी अवार्ड से नवाजा गया। राजीव गांधी जो बहुत ही रिनाउंड एंड प्रेस्टीजियस अवार्ड है, उससे भी नवाजा गया। तो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला मुझे अपने काम के लिए। तो मुझे ये लगता है कि अवार्ड एक और आपको प्रेरणा देते हैं टू बी मोर टूवर्ड्स वर्क। अच्छा व्यूअर्स, सीमा जी ना एक स्टार स्ट्रक पर्सनैलिटी, उनसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं अभी पूछने वाली हूँ। सीमा जी, जैसे कि आज तो आप कैटरीना के साथ थी, कल आप करीना के साथ हैं, ऐसे आज मैं शिखा के साथ हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं भी स्टार बनना चाहती हूँ, उसके लिए आप मुझे कोई टिप दीजिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप तो वैसे खुद ही स्टार हैं, आप लोगों को इंटरव्यू करती हैं और ये भी एक बहुत आसान काम नहीं है। मेरे हिसाब से एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ इज़ लाइक अ डायमंड, और हर इंसान को अलग अलग टाइप की तराश मिलती है। उसी तरह से जिस तरह से हीरा को अलग अलग तराश मिलती है, तो उनकी अलग अलग शाइन होती है। और इस बात को तो मैं गारंटी करती हूँ कि किसी को भी स्टार बनना हो, चमकना हो, तो वो कर सकता है, बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन, आपका उस चीज़ के लिए हार्डवर्क, एंड ये आप तो ऑलरेडी स्टार हो, आपको क्या स्टार बनना है। पर सब कोई स्टार है, किसी को ये नहीं सोचना कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन माई लाइफ, इन अदर्स लाइफ। आपने बहुत ही इंस्पायरिंग बात बोली है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अच्छा सीमा जी, न्यूमरोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि मैं देखती हूँ पर्सन टू पर्सन न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, आजकल क्रेज भी ज़्यादा हो गया है जी। मुझे तो थैंक यू, बहुत अच्छा आपने एक नाम को चेंज करके आपने बहुत अच्छा, मेरे को बेनिफिट भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा मेरे व्यूअर्स उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि बॉलीवुड के पिक्चरों के नाम जो थे वो स्पेलिंग ठीक से लगते थे, या के सीरीज चली थी आपने सुना होगा। पहले लोग खाली बॉलीवुड और मुंबई में ये सब चीज़ें था, लेकिन आज ये वर्ल्ड वाइड फैल गया है कि नंबर से, जैसे कि हर अल्फ़ाबेट एक प्लैनेट को डिपिक्ट करता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं उसके साथ अगर आपका नाम का कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके काम बनते बनते नहीं बनेंगे, लाइफ में ऑब्स्टिकल आएगी। जैसे पिक्चर बनाई बहुत पैसा लगाकर, मेहनत लगाकर, और फ्लॉप हो गई, वैसे ही लाइफ भी फ्लॉप हो जाती है। सो आपकी लाइफ फ्लॉप ना हो किसी की, उसके बेहतरी के लिए हम नाम की स्पेलिंग में ऐसे चेंजेस लाते हैं जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल हो और आपको कंप्लीट करे, और कंप्लीट करने के साथ साथ में आपकी ज़िंदगी से ऑब्स्टिकल डिलीट कर दे। और आपका नाम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपका साइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका सिग्नेचर इज़ आपका मिरर इमेज। अगर आपके सिग्नेचर में भी वो चीज़ें सही नहीं आ रही हैं, बिकॉज आप नाम कुछ लिख रहे हो, सिग्नेचर कुछ और कर रहे हो, या आप निकनेम से कुछ और आपको बुला रहा है, तो वो तीन डायरेक्शन में चली जाती है आपकी एनर्जी। सो इन सब को एक साथ करके अगर आप एक तरह से आगे बढ़ते हैं, तो यू आर ऑन द टॉप और पिनिकल इफ़ यू वांट टू बी इन योर लाइन। मैं ये कहना चाहूँगी, आप जिस भी लाइन में हैं और उस लाइन में आप
टॉप में जाना चाहते हैं आप ज़रूर जा सकते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सीमा जी एक एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहुत ही फेमस लोगों के नेम्स में चेंजेस ला के उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस, 100% साइंस, जिसमें आप उस पर्सन की अंदर क्या डेटा है उसको डिटेक्ट करके वहाँ पे क्या कमी है, दिस इज़ लाइक अ डायग्नोस्टिक टूल कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। लाइक जैसे एक बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो डॉक्टर कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, ऐसे ही हम उस चीज़ का सप्लीमेंट दे देते हैं और लाइफ को कम्प्लीट बना देते हैं और लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। कितनी आसानी से सीमा जी लाइफ में रंग भरती हैं। आपने आज आउटफिट भी इतना कलरफुल पहना है, ऐसे ही आप लोगों की लाइफ में आप कलर्स फील करती हैं सीमा जी, दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग फॉर मी। थैंक यू। मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ जो है वो रेनबो के 7 कलर्स से, ऑरा के 7 रंगों से भरपूर हो और आपकी ज़िंदगी भी इंद्रधनुष की तरह हो। दोस्तों, ये कहना चाहूँगी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ बेटर, 10% हाउ यू मेक इट, 90% हाउ यू टेक इट। सो टेक थिंग्स वेरी वाइजली। अच्छा सीमा जी, यहाँ पर ना मैं टैरो की बात करना चाहूँगी। जी, आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत बहुत पावरफुल हैं, एक्यूरेट हैं, मतलब लोग इंडिया से नहीं फॉरेन से आपको फॉलो करते हैं। जी, तो इस बार आपने क्या प्रिडिक्ट किया है इस ईयर के लिए अपने टैरो प्रेडिक्शन से? बिल्कुल, ये साल हमारा इंडिया का नंबर 1 है और ये साल जो है टोटल कैलकुलेशन से करें तो 9 है और 9 और 1 का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बेहतर है और हमारा इंडिया जो है वो डे बाय डे शाइन करेगा और हर फील्ड में आप ये देखेंगे कि 2016 में हर फील्ड में आपको कोई नए चीज़ें, नया एक्सपेरिमेंट, नई चीज़ें और हमारे इंडिया की लोग जो हैं वो टॉप में जाएंगे हर जगह में और अच्छा करते जाएंगे और भारत का नाम दिन प्रतिदिन आगे चलता जाएगा। अच्छा सीमा जी, जैसे कि अब शो का अंत होने का समय आ गया है, मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों की लाइफ डिज़ाइन करती हैं, आप एक लाइफ डिज़ाइनर हैं, हमारे व्यूअर्स को एक पावर पैक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, आप भी अपनी लाइफ डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम से, अपने सिग्नेचर से, अपने मोबाइल नंबर से और अपने विजिटिंग कार्ड से। और ये भी कहूँगी कि अगर आपका बिजनेस लोगो भी ठीक करना चाहें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से करें और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। जैसे कि आप अच्छे कपड़े पहन के खूबसूरत दिखते हैं, ऐसे ही अपनी लाइफ को ठीक करके आप बहुत बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच सीमा जी मेरे शो पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। वेलकम, माय प्लेजर। फ्रेंड्स, आप डॉक्टर सीमा मिढा को, लाइफ डिज़ाइनर सीमा मिढा को हर जगह फॉलो कर सकते हैं, सारे सोशल नेटवर्क्स पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फॉलो करिए एंड अपनी लाइफ बनाइए, लाइफ डिज़ाइन कीजिए। आप देख रहे थे डेली चिली चैनल, कैंडी फ्लॉस, ओ इट्स मी, अ होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। थैंक यू।